द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको सारी चीज़ों का पीडीएफ जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को नोट नहीं करना है। तो यहाँ पर जब भी आपसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाए ना, तो आपको किस तरीके से आंसर देना है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे तीन लेवल्स होते हैं, क्या होते हैं, तीन लेवल्स होते हैं। एक सबसे हाईअर लेवल होता है, टॉप लेवल जिसको बोलते हैं, ये एकदम डायग्राम है, इसके हेल्प से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहां पर से मैं समझा देता हूं, यहां पर आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसकी हेल्प से ही आपने अगर इस डायग्राम को बना दिया, मतलब कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो आप जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम है एक तरीके का ट्राइंगल का शेप है, और इसमें से सबसे ऊपर जो हमारा मैनेजमेंट आता है दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फिर सुपरवाइजरी। सुपरवाइजर्स लोग जो भी होते हैं वो क्या आते हैं, सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो तीन तरीके के हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जब भी बात होगी तो हमारे तीन लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से हमारे जो भी टॉप में कौन कौन से लोग आते हैं, टॉप में जो भी हमारे चेयरमैन्स हो गए, ठीक है, जनरल्स हो गए, इस तरीके के लोग आते हैं, जो भी कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए या फिर सीईओ, ये जितने भी लोग होते हैं, जो भी मतलब जिन लोगों ने कंपनी को इस्टेब्लिश किया होता है, या फिर जो भी बड़े बड़े जो भी मतलब जानते हो ना, जो भी सीईओ लोग होते हैं, तो वो सभी लोग हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कंपनी की देखते हैं, एमडी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी लोग होते हैं, जो भी पूरी कंपनी को, पूरी हर जगह की ब्रांच को संभालते हैं, वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। उसके बाद में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यहां पर लिखा हुआ है ना, देखो कि परचेज मैनेजर, बीच में देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखो कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये जितने भी मैनेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, कि एचआर हेड अलग होगा, ठीक है, क्वालिटी का हेड अलग होगा, प्रोडक्शन का हेड अलग होगा, अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जो भी उसके हेड बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे छोटे मतलब जो भी सबसे जो लोअर मैनेजमेंट में जो भी आते हैं वो होते हैं हमारे सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, तो वो सबसे नीचे लेवल पर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस तरीके का टेक्निकल ही नॉलेज होता है, ठीक है, तो टेक्निकल जो भी नॉलेज होता है तो उनको हमारे यहाँ पर से सबसे नीचे वाले लोग आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के वर्ड्स यूज हुए हैं, एक तो यहां पर अथॉरिटी लिखा हुआ है और दूसरा हमारा यहां पर अकाउंटेबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों का वर्ड का मतलब और मीनिंग समझ लेते हैं। यहां पर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कोई भी, सपोज कि कोई भी हम अपना बिजनेस हमने रन कराया, ठीक है, अब हमको हमारी जो भी अथॉरिटी होगी, हम काम को दूसरे लोगों को सौंपेंगे, है ना, तभी तो दूसरे लोग करेंगे, ठीक है। अब हम हर एक काम को नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत बड़े बड़े काम को करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको जो भी अपने अधिकार जो भी होंगे दूसरे लोगों को, अपने से नीचे वाले लोगों को देने होंगे, कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो अथॉरिटी जो होगी वो ऊपर से नीचे आएगी। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जवाब देने, जो भी जवाब जिसको देना पड़ता है, ठीक है। सपोज कि अगर जो भी कंपनी है वो घाटे में जा रही है, तो जवाब किसको देना पड़ेगा, क्या वर्कर को देना पड़ेगा, जो इंप्लॉय होगा वो उसको देना पड़ेगा, नहीं, वहां पर तब जवाब देना पड़ता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जैसे कि सीईओ वगैरह हो गए, ठीक है, हमारे एमडी लोग, एमडी डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन्स, इस तरीके के जितने भी लोग होते हैं, ये सभी लोग जवाब देते हैं, ठीक है, ना कि कोई एक नॉर्मल वर्कर आकर के जवाब देते हैं कि हमने काम क्यों नहीं किया, ठीक है, हमारी कंपनी घाटे में क्यों जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब कि इनके ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है, बट ये देखने में इन ऊपर से लगता है कि अच्छा ये तो बहुत मतलब मजे में होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो भी होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, नीचे वाले लोगों को कम जवाब देना पड़ता है, बट ऊपर के वाले लोगों को ज़्यादा जवाब देना पड़ता है, जबकि जो भी अधिकार जो भी होते हैं, जो भी काम ज़्यादा जो भी करते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे वाले लोग करते हैं, ऊपर वाले लोग भी करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, बट वो अपने अकॉर्डिंग अलग से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अभी यहाँ पर देख सकते हो आप,
आंसर में क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो ऑल मैनेजर्स परफॉर्म द सेम फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, देयर आर लेवल्स अमंग दम. सो देयर आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड फर्स्ट लाइन, मतलब कि सबसे एक फर्स्ट लाइन होती है जिसमें सबसे लोअर क्लास के लोग आते हैं, फिर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, देन टॉप क्लास के मैनेजर्स आते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को करके बता दिया, ट्राइंगल में जो भी हमारी चीजें हैं उसको बता दिया, समझा दिया. अब देख लो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लो, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओ. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, पीडीएफ का लिंक तो मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, देख लेना जा करके. अब देखो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से क्या क्या आता है, कि कंसिस्ट सुपरवाइजर, सबसे नीचे जो भी लोअर के मैनेजमेंट होते हैं ना वो कौन से होते हैं, कि सुपरवाइजर्स आते हैं, जो भी हमारे इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग भी मैनेजमेंट करते ही हैं. ठीक है, बट इन लोगों का जो भी मैनेजमेंट होता है वो केवल लोगों को देखना होता है, वर्कर्स को देखना होता है, संभालना होता है. ठीक है, जो भी इंप्लॉय होते हैं उनसे काम लेना होता है. ठीक है, सेक्शन ऑफिसर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ऑपरेटिव. ठीक है, और इनकी कुछ जो भी एक्टिविटी है वो कुछ नीचे लिखी हुई है, कि यहाँ पर ए नंबर पर लिखी हुई इनकी एक एक्टिविटी, कि गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डेली टू डेली एक्टिविटीज़. मतलब कि जो भी इनके वर्कर्स जो भी काम करते हैं छोटे लेवल पे, जो भी वर्कर्स होते हैं उनको देखना होता है, उनको संभालना होता है, मैन पावर हैंडलिंग का काम होता है. ठीक है, जो दूसरे नंबर पर आता है मेंटेनिंग गुड रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो अगर जो भी सुपरवाइजर्स होंगे आपस में लड़ेंगे, जो कि मोस्टली जो भी होते हैं कंपनीज में लड़ाई करते हैं. ठीक है, तो इनका ये भी एक काम होता है कि अच्छा एक रिलेशनशिप बना करके रखें, जो कंपनी के अंदर एक हेल्थी, मतलब हेल्थी रिलेशनशिप बना करके रखें, खुशी का माहौल बना करके रखें, ना कि लड़ाई झगड़े का. ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा थर्ड नंबर पे सी नंबर पे आता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स टू द वर्कर्स. मतलब कि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी छोटे छोटे जो भी वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सुपरवाइजर्स ही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको सही से ट्रेनिंग देंगे, उनसे क्वालिटी के साथ में और प्रोडक्टिविटी के साथ में काम लेना इनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देन डी नंबर पे इनका और दूसरा एक काम आता है कि दे अरेंज नेसेसरी मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा फॉर गेटिंग द थिंग्स डन, जिससे कि ये काम को ले सकें. इनका काम होता है कि मशीन्स को इकट्ठा करना, टूल्स को लेकर के आना. अब ये ऑब्वियसली सी बात है कि अपने पैसों से तो लाएंगे नहीं, बट हाँ अलग अलग डिपार्टमेंट से इनको ऑर्डर देना होता है और फिर वहाँ से मंगाना होता है. देन ई नंबर पे क्या है कि दे प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स. और ये परफॉर्मेंस कि वर्कर कितने दिन में आ रहा है, काम किस तरीके से कर रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स को बनाना भी इनका काम होता है. ठीक है, सो इनका यहाँ पर काम क्या होता है कि रिपोर्ट्स को भी तैयार करना और वर्कर्स की देखभाल को करना, कि कौन कब आ रहा है, कौन कितना काम करके जा रहा है. तो ये सारी चीज़ों का डेटा सुपरवाइजर्स के पास में होता है, यानी कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होता है. अब बात करें मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें से हमारे एचआर डिपार्टमेंट जो भी हेड लोग आते हैं, ठीक है, कोई भी अलग अलग हेड्स होते हैं, लाइक क्वालिटी हेड अलग होता है, प्रोडक्शन हेड अलग होता है, एचआर हेड अलग होता है. तो ब्रांच जो भी ब्रांच मैनेजर्स एंड द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कंस्टिट्यूट द मिडिल लेवल. ठीक है, और इनके कुछ एक रोल्स होते हैं जो भी यहाँ पर लिखे हुए. सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं कि दे एग्जीक्यूट द प्लान्स. ठीक है, एक तो ये प्लान्स बनाते हैं, कि प्लान को बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, उसके बाद में सुपरवाइजर्स को ये उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को बताते हैं और उनसे काम करवाने के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद में बी नंबर पे क्या है कि दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मतलब कि ये सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं. ठीक है, जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो किसको ट्रेनिंग देते हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो किसको ट्रेनिंग देते हैं, वो सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या है, दे ऑल्सो सेंड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट डेटा टू टॉप मैनेजमेंट लेवल. ठीक है, यहाँ पर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डेटा को पहुँचाना किसका काम होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का. ठीक है, और इसका एक और भी काम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, जो भी सुपरवाइजर्स वो होते हैं उनको इंस्पायर करना, काम करवाना और उनसे बेटर परफॉर्मेंस के साथ में क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के साथ में काम को करवाना क्या काम होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है. ठीक है, ये लोग भी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर, कि कब कितने लोगों की ट्रेनिंग करवानी है, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट करना है, भर्ती कितनी करनी है. ठीक है, और
कब कौन सी वैकेंसी खाली, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग, ठीक है, ये केवल और केवल किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस, ठीक है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट कैन बी समराइज एज फॉलो, जिसमें से नीचे कुछ हमारे पास में लिखी हुई हैं कि दे प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक प्लान्स। यहाँ पर जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसका काम काम करना नहीं होता है कि हाथों से काम कर रहा है वो जा करके, बट उसका काम क्या होता है कि प्लान्स को बनाना है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स को बनाना है जिससे कि जो भी कंपनी है उसकी घाटे में ना जाए, ठीक है, पॉलिसीज को बनाना इंटरप्राइज के लिए, ठीक है, और इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी का डेटा को लेकर के क्या कौन से डिपार्टमेंट में चल रहा है, इन सारी चीज़ों का डेटा जो भी होता है वो किसके पास में होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास में होता है, वही सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है, कि वेदर द कंपनी इज गोइंग ऑन इन यू नो कि घाटे में जा रही है या फिर प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसको जवाब देना पड़ता है। फिर उसके बाद में सी बस देखो कि इट प्रोवाइड्स गाइड्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है, ये गाइड्स भी करता है लोगों को, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करते हैं, गाइड करते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं, नए रूल्स और नई पॉलिसीज़ को बनाते हैं, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करवाना के काम भी जो भी होता है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ही होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि कंपनी के जो भी टाइमिंग है उसको चेंज करना हुआ, ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या होगा, हमको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ही बात करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में देन मेकिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, अब दूसरे लोगों के साथ में दूसरे कंपनीज के साथ में व्यवहार बनाना, ठीक है, तो ये सब भी काम किसका होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है, ठीक है, ये कोई छोटा नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं करेगा आकर के, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ही लोग करेंगे, ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबिलिटी, जवाब देने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फिर एफ नंबर पे इनका एक काम क्या होता है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर्स के जो भी दाम होते हैं घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं उसका परफॉर्मेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखे कि डिफरेंट लेवल कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन से होते हैं मैनेजमेंट के, इन सारी चीज़ों को देखी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैनेजरियल स्किल्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है एकदम, आपको सही तरीके से जितनी भी PDF का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अच्छे से याद कर लेना, वीडियो को बार बार देख करके अच्छे से समझ लिया करो, और सब पर भी कुछ नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना जाए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू और बाय। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको भी लाइक कर दिया करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।